सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर देखे सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। मन बड़ा चमत्कारी शब्द है। मन के आगे न लगाने पर यह नमन हो जाता है और पीछे न लगाने पर मनन हो जाता है। जीवन में नमन और मनन करते रहिए, समस्याओं का समन अपने आप होता रहेगा। मन और मकान को वक्त वक्त पर साफ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मकान में बेमतलब सामान और मन में बेमतलब गलत फहमियाँ भर जाती है। आज का पंचांग 13 सितंबर 2023 दिन बुधवार, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि, सुबह 4:39 तक रहेगी। इसके उपरांत अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जाएगी। मघ नामक नक्षत्र रात्रि 2:01 तक रहेगी। इसके उपरांत पूर्व फाल्गुनी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय 12:15 से 1:46 तक रहेगा। आज का कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज चंद्रमा सिंह राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य सिंह राशि पर रहेंगे। कर्क राशि 13 सितंबर 2023 दिन बुधवार। आज के दिन आपके लिए बहुत शुभ है। आपको वित्तीय क्षेत्र में अपने प्रयासों के चलते लाभ होगा। आप अपने परिजनों के लिए सर्वोत्तम उपलब्ध चीज खरीदना चाहेंगे। बस इतना ध्यान रखिए कि सारा पैसा खर्च न करके कुछ बचत भी कर लें। आप अपने पार्टनर के साथ कुछ बहुत खास पल गुजारेंगे जिन्हें आप हमेशा याद रखेंगे। अपने कॉन्फिडेंस को मजबूत रखें। आपको कुछ बेहतर मौके मिलने वाले हैं। तनाव समाप्त होगा। अपने लिए कुछ नया करने की इच्छा होगी। नजदीकी रिश्तेदारों से भेंट हो सकती है। सही गलत का फैसला लेने के बाद भी केवल आलोचना की वजह से आपका तनाव बढ़ेगा। अपनी कमजोरियां दूर करके स्वभाव में सही बदलाव करें। अपने निर्णय पर टिके रहने की कोशिश करें। जिन लोगों के विचार आपसे अलग हैं, उन्हें समझने की कोशिश करें। आपसे सामंजस्य बनाए रखें। काम संबंधित रुकावटें दूर होगी। नए रिलेशनशिप की शुरुआत सकारात्मक तरीके से होगी। पेड़ संबंधित दिक्कतें बढ़ सकती है। सावधानियां। बच्चों के साथ उनकी बातों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का प्रयास करें। जल्दबाजी में लिया गया कोई फैसला गलत हो सकता है, इसलिए धैर्य और संयम बनाए रखें। सरकारी कार्यों में ढील न दे वरना आप परेशानी में पड़ सकते हैं। बात करते हैं लव लाइफ की। जीवन साथी का सहयोग आत्मविश्वास और धैर्य प्रदान करेगा। युवाओं की दोस्ती में नजदीकियां बढ़ेगी। अगर आपको अपने तरीके और अपने पार्टनर के तरीके में से एक को चुनना पड़े तो आपके सामने एक मुश्किल स्थिति आ जाएगी, लेकिन शांति बनाए रखें और किसी भी मुद्दे को लेकर अपने पार्टनर से आक्रामक तरीके से सवाल ना करें। जितना प्यार वो आपसे करते हैं उसे लौटाने की कोशिश करें और किसी और के कहे अनुसार चलने के बजाय उस मुश्किल समय की याद उन्हें दिलाएं जो आपने एक साथ काटा था। बात करते हैं करियर की। कुछ समय से आप झूठ बोल रहे हैं। आय के नए तरीकों का लाभ उठाने के लिए अपने निर्णय में नयापन ला सकते हैं। आप में अपनी ताकत या कुर्सी का आनंद लेने के लिए दीवानापन रहेगा और वह काफी सशक्त होगा। आपकी वित्तीय स्थिति किसी भी अन्य दिन की तरह सामान्य रहेगी। व्यवसाय में अतिरिक्त मेहनत करने की जरूरत है। युवाओं को रोजगार का असर मिलने से राहत मिलेगी। आत्मविश्वास बढ़ेगा। आज धन का लेन देन न करें, नुकसान होने की भी आशंका है। नौकरी में टीम का नेतृत्व करने में आप सफल रहेंगे। बात करते हैं सेहत की। विपरीत परिस्थितियों में अपना मनोबल और आत्मविश्वास कमजोर न होने दें। मेडिटेशन करना आपकी समस्या का उचित समाधान है। आज अपने और अपने परिजनों की सेहत का विशेष ध्यान रखें। अगर आपके बच्चे हैं तब तो आपको और भी सावधान रहने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य संबंधित छोटी छोटी तकलीफें भी अचानक ही महत्वपूर्ण दिखने लगेगी। आपको पहले से रोकथाम के उपाय कर लेने चाहिए। यह ध्यान रखें कि आप क्या खा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि उस चीज को खाने के बाद आपका मूड खराब हो जाए। आज का उपाय, गणेश भगवान जी की पूजा करें, शुभ रहेगा। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।
जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।